हेलो स्टूडेंट्स, दिस वीडियो इज़ फॉर क्लास नाइन्थ मैथ स्टूडेंट्स। और इस वीडियो में जो है, लास्ट वीडियो जो मैंने आप लोगों के लिए रिकॉर्ड किया था, उसमें मैंने रेशनल नंबर्स के बारे में आप लोगों से डिस्कस किया था, व्हाट इज रेशनल नंबर, ठीक है ना। और इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ रेशनल नंबर। जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि जो रेशनल नंबर, क्योंकि रेशनल नंबर की जब बात आती है तो वहाँ पर फ्रैक्शन आपके दिमाग में आना चाहिए, और जहाँ पर फ्रैक्शन होता है बट ऑब्वियस है वहाँ पर डिवीजन होगा, ठीक है ना। और डिवीजन है तो डिवीजन में मोस्ट प्रॉब्ली आपका डेसिमल एक्सपेंशन भी इंक्लूड हो जाता है, इसको आपको जो है वो ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हम जो रेशनल नंबर से उसके डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में ही आप लोगों से बात करने वाले हैं कि रेशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन क्या होते हैं, ठीक है ना। उसकी डेफिनेशन को लिखने से पहले यहां पर मैं कुछ एग्जांपल्स आप लोगों के लिए लेने वाला हूं, जिसकी हेल्प से बड़ी आसानी से जो है वो डेफिनेशन को आप समझ पाएंगे या खुद से आप जनरेट भी कर सकते हैं कि जो रेशनल नंबर है उसके डेसिमल एक्सपेंशन की डेफिनेशन क्या होगी या फिर वो डेसिमल एक्सपेंशन क्या होते हैं, ठीक है ना। यहां पर मैं कुछ एग्जांपल्स लेने वाला हूं। तो सबसे पहले मैंने एक यहां पर रेशनल नंबर लिखा हुआ है 3/8, ठीक है ना। कुछ मैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के यहां पर नंबर लिख रहा हूं और उसके मैं यहां पर डिवीजन भी आप लोगों के लिए करने वाला हूं। सेकंड आपका है 7/25, और थर्ड इसी तरह से मैं एक ले रहा हूं यहां पर 5/3, और फोर्थ मैंने एक लिया यहां पर 2/7, ठीक है ना। यहां पर मैंने फोर रेशनल नंबर्स लिए हुए हैं जिनके कि अभी मैं डेसिमल एक्सपेंशन या डिवीजन करने वाला हूं, और उसकी हेल्प से बड़ी आसानी से जो हम है वो डेसिमल एक्सपेंशन जो रेशनल नंबर्स के बारे होते हैं उनके बारे में बड़ी आसानी से हम सीख जाएंगे कि वो डेसिमल एक्सपेंशन रेशनल नंबर के क्या होते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो डिवीजन है वो 3/8 है, ठीक है ना। तो बड़ी आसानी से समझ सकते हैं, फर्स्ट डिवीजन की मैं यहां पर बात कर रहा हूं, थोड़ा लेफ्ट से स्टार्ट करता हूं, सारी करने यहां पर। तो बड़ी आसानी से आप समझ सकते हैं, फर्स्ट जो 8 हमारा है वो डिवाइजर है, और 3 यहाँ पर क्या है वो हमारा डिविडेंड है, ठीक है ना। यहाँ पर हम डेसिमल लगाएंगे, डेसिमल यहाँ पर भी इंक्लूड करते हैं, यहाँ पर लगाने के बाद यहाँ पर भी लगाना पड़ता है 0। तो 8 3 आई थिंक 24 हो जाएगा ये आपका, और 24 के बाद ये 6 बचेगा, डेसिमल है 0, 8 7 जा 56 हो जाएगा, 4 0 और 8 5 जा 40 हो जाएगा, यहाँ पर ये 0 आ गया आपका। तो बड़ी आसानी से हम कह सकते हैं कि 3/8 जो रेशनल नंबर है उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा वो 0.375 हो जाएगा, बड़ी आसानी से उसको हम समझ सकते हैं। इसी तरह से मैं सेकंड की बात कर रहा हूँ आपसे, 25 सेकंड जो हमने एग्जांपल यहाँ पर लिखा हुआ उसका भी डिवीजन हम करते हैं, फिर से डेसिमल 0 बढ़ाएंगे 25, इसको बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि क्लास नाइन्थ स्टैंडर्ड का ये वीडियो है, नाइन्थ स्टैंडर्ड में डिवीजन आप आसानी से कर सकते हैं, तो उसको मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ यहाँ पर शो ऑफ करके आपको दिखा देता हूँ, ठीक है ना। तो डेसिमल 0, 25 2 जा 50, 20 फिर डेसिमल है 0 हो जाएगा, 25 8 जा यानी यहाँ पर 200 या 0, ओके। बड़ी आसानी से समझ सकते हैं, ये फर्स्ट हो गया आपका, यहीं पर मैं सेकंड लिख लेता हूँ, 7/25 इक्वल टू 0.28, ठीक है ना। इसी तरह से थर्ड डिवीजन यहाँ पर 5/3 का करने वाला हूँ, यहाँ पर 3 और ये 5, डेसिमल अप्लाई करेंगे, डेसिमल नहीं 5 में चला जाएगा, 3 बन जा 3, 2 उसके बाद डेसिमल 0, 3 6 जा 18, फिर से 2 आ गया 0, 3 6 जा 18, फिर से 2 आ गया यहाँ पर 0, 3 6 जा 18 एंड सो ऑन, ये तो आपका रिपीट होता रहेगा, ठीक है ना। तो इसके डेसिमल एक्सपेंशन को हम इस तरह से यहाँ पे नोट करते हैं, यानी 666 ये खत्म ही नहीं होगा, यानी रिमाइंडर इसका 0 नहीं बढ़ेगा, बड़ी आसानी समझ सकते हैं। डेसिमल लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, फिर से 3 6 जा 18 हो जाएगा, फिर रिमाइंडर 0, ठीक है ना, ये रिपीट होने लगेगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो इसको हम अभी एक्सप्लेन करेंगे कि इसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, तो सिर्फ मैं आपको नोट करके बता देता हूँ कि किस तरह से ये लिखा जाएगा। ये हो गया आपका 1.666 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर डेसिमल जो आपका 6 डिजिट है ये बार बार रिपीट हो रहा है, तो वी कैन राइट एज 1.6 बार, ये लिखने का पैटर्न है आपको, इस तरह से ये लिखा जाता है। आप तो आप 666 करके डैश डैश यहाँ पर इस तरह से नहीं लिख सकते हैं, सिर्फ अगर हमने 1.666 कर दिया, इसका मीनिंग 1.666 और 1.666 डेडेडेसी एंड सो ऑन, इन दोनों का मीनिंग अलग है। अगर सिर्फ आपने 1.666 लिखा हुआ है, दैट मीन्स यहाँ पर ये टर्मिनेट हो गया, खत्म हो गया है, यानी रिमाइंडर 0 आ जाता है, तब हम इसको यहाँ पर स्टॉप कर सकते हैं। अगर ये स्टॉप नहीं हो रहा है तो फिर इसको डॉटेड लाइन से इस तरह से हम दिखाते हैं, और इसका जो नोटेशन है यहाँ पर मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, अगर ये डेडेडेस लगा हुआ है तो 6 डिजिट यहाँ पर रिपीट हो रहा है, तो 1.6 बार हम इस तरह से इसको डिनोट करते हैं, इसको आपको जो है वो याद रखना है। नेक्स्ट हमारा बचा हुआ है 2/7, जो फोर्थ आपका है, फोर्थ को मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर दे रहा हूँ, पहले वाले क्वेश्चन को ही, ठीक है ना, यहाँ पर करता हूँ। आप लोग वीडियो को पॉज करके ना इसको नोट भी कर सकते हैं, 2/7 डेसिमल अप्लाई होगा 0, 7 2 जा 14, फिर से हमारा यहाँ पर 6 0, 7 8 जा 56 हो जाएगा, 4 0, 7 5 जा 35 हो रहा है यहाँ पर, फिर 5 आ जाएगा आपका, फिर 0, 7 7 जा 49 यहाँ पर लिख ले रहा हूँ, 1 बच जाएगा आपका, 0, 7 1 जा 7, 3 फिर 0, 7 4 जा 28, फिर 2 0,
फिर आपका ये 7 2 14, मुझे लग रहा है फिर से ये 20 बन गया आपका, देखिए यहाँ पर तो 7 20 आएगा, तो फिर से आई थिंक ये 2 8, ये सब आपका रिपीट होने लगेगा फिर से। आप करके देख सकते हैं, घर पर बैठे हुए आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप इसको वॉच करके ना इसको आगे भी आप फॉरवर्ड करिए, तो आपका ये 20 बन गया, 20 के बाद फिर 7 2 14 हो जाएगा, बड़ी आसानी समझ सकते हैं, फिर आपका 6 रिमाइंडर बचेगा एंड कैरी ऑन, ये आपका जो है यहाँ पर इस तरह से हम लिख सकते हैं इसको, ठीक है ना। इसमें भी आप समझ रहे हैं कि आपका रिमाइंडर बिकॉज ऑफ रिपीट होने लगा है, तो यहाँ पर ये डेसिमल के बाद जो यहां पर जो नंबर से ये भी रिपीट होने लगेंगे आफ्टर सम स्टेप्स, इसको बड़ी आसानी से समझ सकते हैं आप, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको आप करके देखिएगा, यानी इन अदर वर्ड्स कह सकते हैं हम कि रिमाइंडर आपको जीरो नहीं मिलने वाला है इस डेसिमल एक्सपेंशन में, ठीक है ना। तो इसको हम किस तरह से लिखते हैं, यहां पर मैं इसको लिख दे रहा हूं 2/7 = 0.285714, और फिर से ये 285714 आ जाएगा, तो यहां पर इस तरह से हम इसमें बार अप्लाई कर देते हैं, और आपने देखा होगा यहां पर मैंने 1 डिजिट के ऊपर बार अप्लाई किया हुआ है, यहां पर 1 2 3 4 5 6, यहां पर 6 डिजिट है उसके ऊपर बार अप्लाई किया हुआ है, तो बार अप्लाई करने का मतलब यही होता है, अगर मैं सपोज दैट यहां पर 2 के ऊपर बार अप्लाई नहीं करता हूं, तो दैट मीन्स इसका मतलब 0.2 रिपीट नहीं हो रहा, सिर्फ आपके 85714 रिपीट हो रहे हैं, 85714, तो ध्यान रखिएगा बिकॉज ऑफ यहां पर आपका 2 भी रिपीटिंग ब्लॉक में आ रहा है, यहां पर रिपीटिंग ब्लॉक बोलते हैं हम इसको, तो यहां पर आपको 2 के ऊपर भी बार अप्लाई करना है। कई बच्चे क्या करते हैं जल्दबाजी में ना, वो छोड़ देते हैं, वो ध्यान नहीं रखते, वो जल्दबाजी में उन्होंने क्या किया, जैसे 1.67 बार लगाना वो ऐसे जल्दी में कर देते हैं, वो उसका मीनिंग नहीं समझते हैं। अगर आपको ये ध्यान रखना है कि बार आप किन डेसिमल के बाद किन डिजिट्स के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको ध्यान रखना है ये जो बार अप्लाई होता है ना ये डेसिमल के बाद ही अप्लाई होता है, डेसिमल से पहले हम इसको अप्लाई नहीं करते हैं। आप सोचिए कि हमने इसको 1.6 बार लिख दिया, ये गलत है, ये कोई तरीका ही नहीं है, इसको हम इस तरह से कभी नहीं लिखते हैं। तो जब भी हम बार अप्लाई करते हैं तो डेसिमल के बाद यह अप्लाई होता है, और जिन डिजिट्स के ऊपर बार अप्लाई होता है आपको ध्यान रखना है वो डिजिट्स हमारे जो है वो रिपीट होते हैं, ये इंपॉर्टेंटली। यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं, और अब इसके बाद मैं इन एग्जांपल्स को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि एक्चुअली क्या है ये, किस किस तरह की कंडीशंस यहाँ पे बन रही हैं। तो ये सारे एग्जांपल्स को जब आप ऑब्जर्व करेंगे, तो आप देखिए मैंने फर्स्ट 2 एग्जांपल्स लिए थे, उसमें रिमाइंडर हमारा जो है वो 0 बन गया था। आप वीडियो को रिवाइंड करके बड़ी आसानी से देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर एग्जांपल जो फर्स्ट था वो मैंने डिलीट कर दिया था, यहाँ पर हटा दिया था यहाँ से, लेकिन सेकंड में आप देख रहे हैं 0, और थर्ड और फोर्थ केसेस जो हमारे बने हुए, थर्ड नंबर ये आई थिंक और फोर्थ का 2/7 का मैंने कहाँ पर किया हुआ है, ये रहा हमारा 2/7, ये इसमें आप देख रहे हैं, इसमें रिमाइंडर हमारा जो है वो 0 नहीं बना था, समझ सकते हैं इसमें। तो यहाँ पर 2 केसेस जनरेट हो रहे हैं, जब भी हम रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन कर रहे हैं देर आर 2 केसेस जनरेट कि आफ्टर सम स्टेप आइदर रिमाइंडर विल बी 0, यानी रिमाइंडर या तो 0 हो जाता है या फिर वो क्या करता है रिपीट देमसेल्फ, यानी रिपीट होने लगता है। तो ये तो बात हमें समझ में आई कि जब हम रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड आउट करेंगे तो उसमें 2 केसेस जनरेट होंगे, ठीक है ना। वो 2 केसेस क्या है कि रिमाइंडर बिकम्स 0, आइदर रिमाइंडर बिकम्स 0, और सेकंड स्टेप क्या है रिमाइंडर रिपीट देमसेल्फ, यानी रिमाइंडर जो होता है जैसे यहां पर 2 रिमाइंडर 2 था उसके बाद फिर से 2 मिल गया, या यहां पर हमारा रिमाइंडर 2 था यहां पर भी 2 मिल गया, 2 के अलावा कोई और नंबर भी हो सकता है, मैं आपको बताऊं ये तो कोइंसिडेंटली दोनों ही केसेस में 2 2 आ गया, वो एक अलग बात है, लेकिन और भी कोई नंबर हो सकता है, इसको बड़ी आसानी से आप समझ सकते हैं, इसमें मुझे बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। तो जिस केस में आपका जो रिमाइंडर 0 होता है, मैं आपको बता देता हूं, तो इस केस में रिमाइंडर आपका 0 बन गया है, दैट इज कॉल्ड द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर, और विच टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल, इसको हम क्या बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं, टर्मिनेटिंग का मतलब होता है एंड्स, यानी ये खत्म हो जाता है, और रिमाइंडर 0 हो जाएगा तो बट ऑब्वियस है ये खत्म ही हो गया हमारा, उसके बाद हम डिवीजन कर नहीं सकते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली फ्रॉम दीज एग्जांपल्स बड़ी आसानी से समझ सकते हैं कि रेशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन 2 तरह के होते हैं, 1 जिसमें रिमाइंडर 0 हो जाता है, 2 जिसमें रिमाइंडर 0 नहीं होता है, मींस कि हमारा जो रिमाइंडर है वो रिपीट होने लगता है, ठीक है ना। तो इसके बाद ही मैं डेसिमल जो इसकी जो डेफिनेशन है वो एक्सप्लेन करने वाला हूं कि वो आपकी जो डेफिनेशंस हैं वो क्या है यहां पर। तो नंबर 1, इफ रिमाइंडर बिकम्स 0 आफ्टर सर्टन स्टेप्स देन इट इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल, ऑफ रेशनल नंबर्स, या रेशनल भी लिख सकते हैं नो प्रॉब्लम, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंटली यानी क्या हो जाएगा आपका ये टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा जहां पर रिमाइंडर हमारा 0 हो जाता है। और उस केस में क्या होता है आप देखिए कि यहां पर जो आपका फर्स्ट और सेकंड केस था यहां पर आपने देखा होगा इन दोनों ही डेसिमल एक्सपेंशन में मैंने बार अप्लाई नहीं किया हुआ है,
तो बार अप्लाई नहीं किया हुआ है, दैट मीन्स वो रिपीट नहीं हो रहा है, रिपीट नहीं हो रहा है, इट मीन्स रिमाइंडर क्या बन गया आपका, जीरो बन गया। तो अगर मैं आपसे कहता हूँ यहाँ पर एक डेसिमल एक्सपेंशन लिख रहा हूँ, सपोज है 23.75, और मैं आपसे अगर बोलता हूँ तो किस तरह का ये डेसिमल एक्सपेंशन है, तो बड़ी आसानी से आप बता देंगे, बिकॉज ऑफ यहाँ पर बार अप्लाई नहीं हुआ है, तो बड़ी आसानी से बता देंगे सर दिस इज टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है ना। और किस तरह के नंबर्स का, ऑब्वियसली रेशनल नंबर का, इसको आपको ध्यान रखना है, यानी ये डेसिमल एक्सपेंशन किस तरह के नंबर्स का है, रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन है, तो इसको आपको जो है वो यहां पर याद रखना है, पहली चीज। दूसरे केस में मैं बात कर रहा हूं, केस नंबर सेकंड, इफ रिमाइंडर रिपीट देमसेल्फ्स, यानी खुद से रिपीट होने लगता है, देन इट इज कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स ऑफ रेशनल नंबर्स, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। कई बुक्स में मैं आपको बता देता हूं एक ही मीनिंग है उसका, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिक्यूरिंग, इस तरह से लिखा रहता है, रिक्यूरिंग। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि सर ने यहां पर रिपीटिंग बोल दिया, वहां पर रिक्यूरिंग लिखा हुआ है, बोथ हैव सेम मीनिंग, यानी दोनों का एक ही मतलब होता है, इसको भी आपको यहां पर ध्यान रखना है। तो फाइनली हमें क्या मिला, इसके बाद में कुछ पॉइंट आपसे और डिस्कस करने वाला हूं, तो फाइनली हमें क्या मिला पूरे इस वीडियो से, कि रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन दो तरह का होता है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर, वन इज कॉल्ड द टर्मिनेटिंग डेसिमल इन विच रिमाइंडर बिकम्स जीरो आफ्टर सम स्टेप्स ऑफ डिवीजन, यानी डिवीजन के कुछ स्टेप्स के बाद हमें क्या है रिमाइंडर जीरो मिल जाता है, इसको ध्यान रखना। एंड द सेकंड इज कॉल्ड द नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स, ठीक है ना, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ये भी रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन है। यहां पर क्या होता है कि कुछ स्टेप्स के बाद रिमाइंडर जो है वो रिपीट होने लगता है हमारा, ठीक है ना। और रिपीट में आपको ध्यान रखना है कि यहां पर डिजिट्स के ऊपर मैंने अभी बताया कि जब नंबर्स हमारे या डिजिट्स डेसिमल के बाद रिपीट होते हैं तो उसका नोटेशन जो होता है वो बार लगाकर यहां पर इस तरह से, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपको एक्सप्लेन किया था इसी वीडियो में, तो आपको ध्यान रखना है। सपोज दैट मैंने यहां पर कोई एक डेसिमल एक्सपेंशन लिखा और यहां पर 5 के ऊपर बार अप्लाई है, और मैं अगर आपसे पूछता हूं कि विच टाइप ऑफ दिस डेसिमल एक्सपेंशन, ये किस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन है, तो यहां पर बार अप्लाई हो रहा है, दैट मीन्स बड़ी आसानी से आप समझ सकते हैं इसको, हम 5 5 5 इस तरह से इसका मीनिंग होता है, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली यहां पर क्या है कि जो कोशेंट में जो डिजिट है वो रिपीट होने लगा है, और ये किस वजह से रिपीट हुआ होगा मैं आपको बड़ी आसानी से बता देता हूं, क्योंकि यहां पर रिमाइंडर जो बचा होगा वो रिपीट होने लगा होगा, ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। तो किस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन है ये, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, यानी नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब टर्मिनेट नहीं हो रहा है और रिपीट हो रहा है यहां पर, ठीक है ना। नॉन टर्मिनेटिंग टर्मिनेट नहीं हो रहा है, बट क्या है ये रिपीट हो रहा है यहां पर, ठीक है ना। बट रिपीटिंग भी लिख सकते हैं इसको हम, या रिपीटिंग लिख सकते हैं, दोनों का सेम मीनिंग है, इसमें कोई कंफ्यूजन आपको जो है वो नहीं होना चाहिए। अच्छा, उसके अलावा कुछ चीजें मैं यहां पर आप लोगों को बताने वाला हूं जो आप लोग इंपॉर्टेंटली इसको आप ध्यान रख सकते हैं। यहाँ पर ये जो आपका जो डेसिमल एक्सपेंशन है, इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पर क्या कि जो बार लगे हुए हैं, जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, एक ये लिखा हुआ है और एक ये लिखा हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहाँ पर जो ये इसको जिसके जितने डिजिट्स के ऊपर ये डेसिमल के बाद बार लगा होता है, इसको हम रिपीटिंग ब्लॉक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिपीटिंग ब्लॉक। ऑन इन रिपीटिंग ब्लॉक्स में जो डिजिट होते हैं इज ऑलवेज लेस देन द डिवाइजर, यानी डिवाइजर होगा उससे हमेशा कम होंगे। जैसे अगर मैं 2/7 की बात करता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर डिवाइजर कितना है? 7 है। और यहां पर आप रिपीटिंग ब्लॉक जितने डिजिट्स के ऊपर यहां पर डेसिमल के बाद कोशेंट में जो आपका बार अप्लाई है वो आप देखिए जरा, 1 2 3 4 5 6 डिजिट है, ये 7 से लेस है। देखिए 7 से लेस का मतलब ये नहीं होता कि एग्जैक्टली 1 लेस, ठीक है ना। 7 से लेस आपका 6 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, ये सारे जो डिजिट्स हैं वो लेस देन है। जैसे कि मैं आपसे कहूं, कई बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है, उन्हें लगता है कि 7 से लेस सर 6 है, तो हमेशा 6 डिजिट होंगे। जैसे आप इस क्वेश्चन में देखिए, आप 5/3, ये भी आपका यहां पर आप देख सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, यहां पर डिवाइजर कितना है 3, और यहां पर जो रिपीटिंग ब्लॉक है वो 6 सिर्फ 1 डिजिट है, उसके ऊपर बार लगा हुआ है। तो बस आपको इतना ध्यान रखना कि रिपीटिंग ब्लॉक में जो रिपीटिंग डिजिट्स है वो कितना है, यहां पर 1 है यहां पर, और जो ऑलवेज लेस देन द डिवाइजर, इसको आपको जो है वो याद रखना है। तो इसको आप नोट करके भी बेटा लिख सकते हैं, मैं यहां पर नोट करके लिखा देता हूं, क्योंकि ये वीडियो अभी तो आप देख रहे हैं, बट आफ्टर 1 मंथ और 2 मंथ जब आपके पास नोट्स बुक होंगी, आप जिसमें आप ये सारी की सारी चीजें नोट करेंगे, तो उसको पढ़कर आपको सारी की सारी चीजें याद हो जाएंगी। तो नंबर 1, द नंबर ऑफ एंट्रीज, इसको आप नोट करके भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। द नंबर ऑफ एंट्रीज इन द रिपीटिंग स्ट्रिंग, या इन द रिपीटिंग ब्लॉक, जो भी आप लिखिए, इन द रिपीटिंग ब्लॉक या रिपीटिंग स्ट्रिंग, वट एवर जो भी आप वर्ड यूज करना चाहते हैं, रिपीटिंग स्ट्रिंग, ठीक है ना, ऑफ द रिमाइंडर
इज ऑलवेज लेस देन द डिवाइजर। यहां पे जो डिवाइजर है और इसका मीनिंग क्या है ये मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर दिया। यानी जो आपका ये रिपीटिंग स्ट्रिंग है, रिपीटिंग ब्लॉक है, इसमें जो डिजिट्स होती हैं, ठीक है ना, रिपीटिंग डिजिट्स, यानी कितनी डिजिट्स रिपीट हो रही हैं, कितने डिजिट्स के ऊपर ये बार लगा हुआ है, ये ऑलवेज लेस देन द डिवाइजर, यानी ये डिवाइजर से हमेशा जो होंगी वो कम होंगी। इसको आपको जो है वो ध्यान रखना है। और सेकंड आपका जो है, वैसे कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें आपका जो रिमाइंडर जो रिपीट होता है आपका, ठीक है ना, रिमाइंडर रिपीट होने के बाद जो आपको रिपीटिंग ब्लॉक मिलता है, ठीक है ना, जो रिपीटिंग ब्लॉक, इसको मैं ऐसे बोल सकता हूं कि व्हेन रिमाइंडर, इस कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ऐसे ही मैं बता दे रहा हूं आपको, व्हेन रिमाइंडर रिपीट्स, अगर रिमाइंडर्स आपके रिपीट होते देन वी गेट अ रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन कोशिएंट, ठीक है ना। ये तो मैंने पहले भी एक्सप्लेन कर दिया, बस फॉर द पर्पज ऑफ नॉलेज है, नोट कर लीजिए आप, कोई ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। मैंने आपसे कहा है कि जब रिमाइंडर रिपीट होते हैं, जैसे मैंने अभी एग्जांपल किया था, यहाँ पर जब आपका रिमाइंडर रिपीट होने लगता है, सेम रिमाइंडर या टू, फिर से आपने कुछ कैलकुलेशन की टू, तो यहाँ पर आपको क्वेश्चेंट में आपको क्या मिलेगा, रिपीटिंग ब्लॉक मिलेगा, इसको रिपीटिंग ब्लॉक बोलते हैं हमारा, ठीक है ना। बस यही यहाँ पर लिखा हुआ है, ये इसको आप नोट करना चाहें तो कर सकते हैं, बट कोई ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको बड़ी आसानी से आप जो है वो समझ सकते हैं। तो यहाँ पर इस वीडियो में मैंने आपको क्या किया है, और फाइनली एक मैं आपको ओवरऑल बता देता हूँ रिव्यू इस पूरे के पूरे वीडियो का। मैंने यहाँ पर क्या पढ़ा है, रेजिस्टर नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन, और डेसिमल एक्सपेंशन रेजिस्टर नंबर का क्या होता है, दो तरह के होते हैं, वन इज कॉल्ड द टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और सेकंड इज कॉल्ड द नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में क्या होता है, वहां पर आपका जो रिमाइंडर है आफ्टर सर्टन स्टेज, ठीक है ना, वो क्या हो जाता है हमारा, जीरो हो जाता है, ठीक है ना। और बट अगर हम नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग की बात करते हैं तो वहां पर रिमाइंडर क्या होता है, वो हमारा रिपीट करने लगता है, बस इसके अलावा कोई तीसरी चीज नहीं है। सिर्फ आपको यही पढ़ना है और इसको आपको रिवाइज करना है। यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चन भी होमवर्क में लिखे हुए हैं, ठीक है ना, इन क्वेश्चन को आप वीडियो को पॉज करके इसको आप नोट कर लीजिए। मैंने इसलिए लिख दिया है कि जिससे कि आपको इस कॉन्सेप्ट का जो आपने अभी इस वीडियो में पढ़ा है उसके कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाए, ठीक है ना। सारी की सारी चीजें अगर कहीं कोई कंफ्यूजन है तो खुद से करके आप देखेंगे तो इसको बड़ी आसानी से जो है वो आप समझ सकते हैं। तो ये होमवर्क के क्वेश्चंस आप घर पे बैठ के करिएगा, और बहुत जल्दी मैं आप लोगों के लिए तीसरा वीडियो भी लेकर आने वाला हूं, जिसमें मैं डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इरेशनल नंबर है इसके बारे में आपसे डिस्कस करूंगा। इसको मैंने यहां पर इसलिए डिस्कस नहीं किया है क्योंकि आप पहले एक एक करके कॉन्सेप्ट पढ़िए। अगर आपने रेशनल नंबर पढ़ा हुआ है तो आप सिर्फ रेशनल नंबर के क्वेश्चन करिए, क्योंकि अगर मैं उसमें इरेशनल नंबर इंक्लूड कर दूंगा तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं बच्चों के दिमाग में ना कंफ्यूजन जनरेट हो जाता है। और अगर ये वीडियो आपको समझ में आया हो, ठीक है ना, अगर ये वीडियो आपने देखा और आपको लगा कि नहीं यार ये वीडियो बढ़िया है हमारे लिए और बच्चों के बारे को भी इस वीडियो के बारे में पता होना चाहिए, तो आप इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। और इसके साथ ही हमारा जो YouTube चैनल है US क्लासेस, इसको भी आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे कि आपको जो है हमारे और भी वीडियो बना रहे हैं उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। थैंक यू।